हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं फेस्टिवल स्पेशल चंद्रकला। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: आधा किलो मैदा, 500 ग्राम खोया मावा। ये होममेड मावा है, इसकी रेसिपी आप मेरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये हमने दो दो चम्मच खरबूजे और तरबूजे के बीज ले लिए हैं, एक चम्मच इलायची पाउडर, ये पानी एक गिलास, नारियल कद्दूकस किया हुआ एक कटोरी, शुगर पाउडर एक कटोरी, आधा कटोरी कटे हुए बादाम, आधा कटोरी काजू, और हमने ले लिया 120 ग्राम घी, देसी घी, और आधा कटोरी किशमिश, और ये हमने 250 ग्राम चीनी ले ली है चाशनी बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। अब हम अपना डो रेडी कर लेते हैं। इसमें हम अपना घी मिला देंगे। ये घी हमने मिला दिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे हम तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इस मैदे का टेक्सचर बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा नहीं हो जाता है। इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर देंगे मैदा में, उसके बाद ही हम पानी का यूज़ करेंगे। जो मैदा है, मैदे में जो, जैसे हमने 500 ग्राम मैदा लिया है तो उसका 1/4 हमें घी लेना पड़ता है। घी मैंने सिर्फ मैदे को बाइंड करने के लिए लिया है। इसे फ्राई करने के लिए जो है मैं ऑयल का यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेड क्रम्स की तरह, ये देखिए आप। और हम इस तरह से यदि करेंगे तो ये देखिए बाइंड भी हो रहा है ये। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे, अपना डो रेडी करेंगे पानी से। जब हम अपना पानी स्टार्ट करते हैं इसमें डालना, पानी इसमें फ्रेंड्स आप धीरे धीरे करके डालिए, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं डालना है इसमें पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें जो इसका डो तैयार करना है वो बहुत ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने डो को रेडी करते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा जो आटा है ये रेडी हो चुका है। आप तो ये देखिए, ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ढककर, और हम अपनी फिलिंग की तैयारी शुरू करते हैं। ये हमने कढ़ाई लगा ली है अपनी, पैन या कढ़ाई लगा लीजिए। इसमें जो मावा है ये हम डाल देंगे, हमें मावा थोड़ा भूनना है। हमें फिलिंग रेडी करने के लिए हमें मावा को पहले भूनना पड़ेगा। इसे बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मावा भुन चुका है। हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे बाउल में निकाल देंगे। इसे ठंडे होने का वेट करते हैं थोड़ी देर। ये हमारा मावा अब ठंडा हो चुका है। ये हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं चाहिए होता है, नहीं तो इसमें चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी इसमें, इसलिए, और बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए इसलिए। अब हम इसमें पहले शुगर पाउडर ऐड कर लेते हैं, इसे थोड़ा मिला लेते हैं। इसे हमें लगता है हाथ से ही मिलाना पड़ेगा। पहले हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। ये हम इसमें अपनी, ये हमने किशमिश डाल दी, ये अपने काजू डाल देते हैं, अपने बादाम डाल देते हैं, ये खरबूजे और तरबूजे के बीज, और ये इलायची पाउडर डाल दिया है। हम नारियल पाउडर में, नारियल तब डालूंगी जब थोड़ा मिला दूंगी इसको। नारियल आप यदि पसंद करते हैं तो डालिए, मैं तो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें जो है नारियल वाली गुजिया ज़्यादा पसंद है। कई लोग नारियल नहीं डालते हैं, लेकिन आप इसमें यदि नारियल डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नारियल से। अब मैं इसमें नारियल ऐड करूँगी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है।
अब हम अपनी चंद्रकला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आटा जो है बिल्कुल रेडी है। इसे आधा घंटा हमने रखा था, आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और हम इसे थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। ये हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसकी गोलियां बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं इस तरह से। इस आटे को इसे साइड कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसे हम बराबर पोर्शंस में काट लेंगे, ताकि जो गोलियां हैं वो हमारी बिल्कुल बराबर शेप में बने। इस तरह से काट लेते हैं इसे, तीन चार आठ। हम इसकी इस तरह से गोलियां बना देंगे। यहाँ पे रख दी। इस तरह से हम ये सारे आटे की गोलियां बना देंगे। ये हमारी गोलियां बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इन्हें साइड कर लेते हैं। फिर हम इन्हें एक एक करके बेलना स्टार्ट करेंगे। ये इसमें डाल देते हैं हम। फ्रेंड्स, इनको बेलने से पहले हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले ये फ्रेंड्स, हमने इसमें चीनी डाल दी है। 300 ग्राम हमने चीनी डाली है। तो हम 300 अब नाप के उससे बिल्कुल आधा पानी ले लेंगे, आधे से भी कम। हमने 1/4 पानी ले लिया है। अब हम इसे गैस ऑन करके बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे गर्म होने देते हैं जब तक इसकी एक तार की चाशनी ना बन जाए। ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। हम गैस की आंच कम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। एक कटोरी में थोड़ा पानी लेके इसमें थोड़ी सी चाशनी डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा अभी और पकाना पड़ेगा, ये थिक नहीं हुई है। फ्रेंड्स, हमने उसके बाद इसके एक मिनट और पका लिया है। हम इसे देखते हैं थोड़ा चम्मच को ठंडा करके। देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक दो तार की चाशनी हो चुकी है। बस हमें इसे अब बंद करना है। ये हमारी चाशनी रेडी है। हम फ्रेंड्स अपनी चंद्रकलाएं बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्हें बेलते हैं, फिर हम इन्हें स्टफ करेंगे। इसे हमें इस तरह से बेलना है। पहले हमें दो पूरियां जैसे बनानी है। इस तरह से इसे एक बड़ी कटोरी से, जो ये एक बड़ी कटोरी से इसे इस तरह से काट लीजिए। और जो दूसरी है इसे हम एक छोटी कटोरी से काटेंगे इस तरह से। अब जो है इसे इसकी साइड थोड़ी पतली कर देंगे इस तरह से। और बीच से जो है वो थोड़ी थिक ही रहनी चाहिए ये, इस तरह से। और इसकी भी साइड थोड़ी थोड़ी सी हम पतली कर देंगे इस तरह से। और हम इसको स्टफ करेंगे। हम इसको स्टफ कर दिया है, इसके अंदर फिलिंग डाल दी। हम साइड में थोड़ा ग्लू लगाएंगे, जो हमने मैदे और पानी के घोल से बनाया था, ताकि ये साइड से चिपक जाए इस तरह से।
हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, पूरी तरह से हम इसे बिल्कुल चिपका देंगे इसके साथ इस तरह से। हम इसे अपनी हथेली पर लेंगे इस तरह से, और ये हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे इसका, ये इस तरह से। बिल्कुल अपने आप अंगूठे से इसे प्रेस कर करके ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये चंद्रकला तैयार हुई है। ये देखिए इसी तरह से हम अपनी दूसरी भी बना देंगे। हम इसे एक कटोरी से, एक बड़ी कटोरी से इस तरह से, और एक छोटी कटोरी से कट कर लेंगे इस तरह से। इसकी साइड्स को पतला कर देंगे फिर से, बीच से जो है ये थिक रहना चाहिए। दूसरी को भी साइड से थोड़ा पतला कर देंगे। अब हम इसको स्टफ करेंगे, इसमें हम फिलिंग डालते हैं अपनी। और थोड़ा इसमें हम अपना मैदे और पानी का ग्लू लगा लेते हैं। इस तरह से अब इसे हम अच्छी तरह से साइड से चिपका देंगे बिल्कुल, ताकि हमारी स्टफिंग जो है बाहर ना निकले। अब हम इसे अपनी हथेली पर रखकर इस तरह से अपनी फिंगर्स और थंब से डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही इजी है, देखिए हमारी ये कितनी सुंदर चंद्रकला तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपनी सारी चंद्रकलाओं को बेलकर स्टफ करके बना देते हैं। ये हमारी सभी चंद्रकलाएं रेडी हैं बिल्कुल। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई लगाकर तेल गरम कर दिया है, गरम हो चुका है तेल हमारा। अब हम इसमें अपनी चंद्रकलाएं डालते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा और गर्म करना पड़ेगा हमें। हम बाकी चंद्रकलाएं भी धीरे धीरे इसी तरह से इसमें डाल देते हैं। पहले हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, फिर धीरे धीरे हमें एक दो मिनट के बाद मीडियम पे कर देनी है। अब इन्हें फ्राई होने देते हैं। बीच में हम इन्हें पलट भी देंगे, फिर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। ये हमारी चंद्रकलाएं देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया। अब हम इसे निकाल देंगे। बाकी की चंद्रकलाएं भी इसी तरह से इसमें फ्राई कर देंगे। इसी में धीरे धीरे से डालिए इसे। सारी अपनी सारी की सारी चंद्रकलाएं इसमें डाल देंगे, ये सब डाल देते हैं इसमें।
अब इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसमें हम इसे एक दो बार पलटेंगे। हमारी चंद्र कलर बनकर रेडी है। अब हम इन्हें चाशनी में डाल देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ चाशनी में डाल के, एक दो डाल देती हूँ फिर। एक दो डाल दी है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर इस तरह से चाशनी डाल दीजिए। इसे आप एक से दो मिनट इसी में ही रहने दीजिए ताकि इस चाशनी इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर हम इसे इसमें से निकाल देंगे, पलट देते हैं इसमें। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चंद्र कलाएँ बिल्कुल रेडी है। इसे हमने पिस्ता और कोकोनट से गार्निश कर दिया है खूब चाशनी से, डूबी हुई। कितनी अच्छी दिख रही है ये। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।